राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल आज पार्टी हाईकमान और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी प्रदेश प्रभारी के साथ संभावित लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेगी। इस बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को दिल्ली रवाना हुए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज स्क्रीनिंग समिति की बैठक है और मैं समझता हूं कि स्क्रीनिंग समिति की आखिरी बैठक होगी। इसके बाद सीईसी में सारे नाम चले जाएंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्द सीईसी में फैसला भी हो जाएगा। हाँ, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और मैं समझता हूँ कि स्क्रीनिंग कमेटी की आखिरी बैठक होगी और इसके बाद सीईसी में सारे नाम चले जाएंगे और बहुत जल्दी उम्मीद है कि सीईसी में फैसला हो जाएगा। नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे कैंडिडेट होंगे और जो मतलब जो पीसी में नाम गए हैं, सीसी में जो स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम है और जो सर्वे में नाम आए उसी पर फाइनल होगा। हाँ, हमारे अध्यक्ष जी बोले कि बलित बकरा बना दिए हमसे, तो इसका अर्थ ये है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता वो नहीं रही जो मीडिया में दिखाई जाता है। अब धरातल में ये है कि अब लोग चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं, कोई राजनीतिक संन्यास ले रहे हैं, कोई चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है।